सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इजी टोटके को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखते हैं को सुनते करना आपको शाज़ो करम का सलाम। आज एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं इमली की चटनी। तो सबसे इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच जो है ज़ीरा, वो हम उसको रोस्ट करेंगे। इसको खुशे की हमने भूनना है, बस एक मिनट के लिए इसको हमने फ्राई रोस्ट करना है। अब इसमें मैंने एक कप जो है इमली, वो उसको एक घंटा पहले भिगो के रखा था, तो उसका हमने जो है पानी उसमें ऐड करना है। अब इसके अंदर दो चम्मच चीनी, एक चुटकी अजवाइन, एक खाने का चम्मच नमक, एक टीस्पून सुरख मिर्च और एक टीस्पून ही चाट मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखें हमारी चटनी में अच्छे से बॉयल आने शुरू हो गए हैं। हमें तकरीबन इसको 5 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है उसको पानी में अच्छे से हल करके वो इसमें ऐड करेंगे, साथ साथ चम्मच लाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी जो चटनी है थोड़ी गहरी हो जाए। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और इसको समोसे पकौड़े या किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इस दुआ के साथ जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।